जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं। सात तैन अवार्ड के हवाले से यकीनन बताया जाता है कि 2013 के बाद 2023 में ये अवार्ड गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दस्ते मुबारक से, आज की कविशों से और इनकी पूरी टीम के बल्कि उसमें कराची के तावन से आज यहाँ पे सात तैन अवार्ड का बाकायदा इजरा किया गया। और जो इसके मुस्तहिक लोग थे उनमें ये अवार्ड की तकसीम भी किया गया। तो आइए चलते हैं दीगर मेहमान ग्रामी से बात करते हैं। आइए। मैंने पेंटिंग बनाई है, वो एक फूल मार्केट के अंदर एक अंकल की बनाई है जो चाय पीते बैठे हुए हैं, आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। सो बेसिकली उसके अंदर मैंने कराची के एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश की थी। हम लोग कराची के स्ट्रीट्स पे गए थे एंड वहाँ पे वो मुझे अंकल काफ़ी मैं कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पीएचडी का थीसिस था सात तैन की गैलरी के ऊपर जो फ्रेयर हॉल पे मौजूद है, पर फ्लोर के ऊपर जो सीलिंग बनी हुई है उनकी, उसके ऊपर मेरा थीसिस था और उसी पे मैंने ये बुक जो है वो पब्लिश की थी। उसकी इनॉग्रेशन थी बेसिकली आज, जो कि सात तैन अवार्ड्स के साथ लगा बड़ी मेहनत से बहुत काविशों से इस अवार्ड का इजरा किया। इस इजरा करने में हम गवर्नर सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का और केएमसी के तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते थे, कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने कराची वालों को एक प्रोग्राम दें जिसमें मुशायरा हो, अदबी मुकाबला हो, नाते हों। और थे उनमें से एक तकरीब सात तैन अवार्ड भी, लेकिन बदकस्मती से गुज़िश्ता 10-12 साल से ये अवार्ड मुनक़द नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब मैंने चार्ज लिया एज़ अ सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि इसको दोबारा शुरू किया जाए और ये बड़ी खुशी है कि मैं इसमें कामयाब हुआ और ये अवार्ड मुनक़द हुए। कारकर्दगी उनके उस कारनामे और उसमें पाकिस्तान के नाम को दुनिया में रोशन करने के लिए दिया गया। अगर इसी बात को हम मिसाल बनाकर आज से ये अहद करें कि हम भी कोई ऐसा कारनामा अपने इस मुल्क के लिए करें, अपने इस शहर के लिए करें कि हिस्ट्री में हमारा भी नाम सदियों रहे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मिट जाती हैं। हमेशा जो चीज़ पायदार रहने वाली है वो काम है जो आपके नाम को कायम रखता है, जो आप अपने वतन के लिए करते हैं। अपनी जात के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं और हर कोई करता है, आज सभी कुछ ना कुछ बन गए हैं। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।